आइए इंटीग्रल कैलकुलस में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, उसका आज ये छठवां क्लास है, छठवां लेक्चर है। तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन रहता है, इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस b रूट अंडर cx प्लस d इस फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये cx प्लस d को हम लोग क्या करेंगे, z स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इस फॉर्म में रखने से, और उसको डिफरेंशिएट करने से ये आएगा c dx का x का dx और d का, तो जीरो d कांस्टेंट है और z स्क्वायर का टू z dz, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, इतना बटा c हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, cx प्लस d जो है ना, इसको तो z मान चुके हैं, ठीक है, यहां से ये जो z मान चुके हैं यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, x का वैल्यू निकाल लेंगे, cx को रखें यहां d को उधर, तो z स्क्वायर माइनस d हो गया और x इक्वल टू तो हो गया z स्क्वायर माइनस d बाय c, ठीक। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू भी, इसको भी तो z में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, z के टर्म में, तो इसीलिए ax प्लस b इज इक्वल टू a और x के जगह ये चीज यहां पर ए एक्स, मतलब ए ये एक्स है, देखिए एक्स और प्लस बी हो गया। उसके बाद इसमें सी एलसीएम ले लिए और एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, ए जेड स्क्वायर माइनस ए डी और प्लस सी इंटू बी बी सी। अब उसको हम लोग यहां पर लिखे ए जेड स्क्वायर, उसको हम लोग क्या किए ना, बी सी माइनस एडी कर दिए, एडी माइनस एडी प्लस बी सी था, तो प्लस देखिए बी सी माइनस एडी कर दिए, और तब हम लोग ये जो इंटीग्रेशन आए इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, dx, तो dx की जगह क्या है, 2z dz by c, इसीलिए ये dx की जगह 2z dz by c, और बट्टा के नीचे में x प्लस b, तो x प्लस b का वैल्यू इतना है, इसीलिए x प्लस b की जगह ये रखें, फिर क्या है रूट अंडर cx प्लस d, तो रूट अंडर सी एक्स प्लस डी को तो हम लोग जेड स्क्वायर मान चुके हैं, इसीलिए रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी के जगह जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए सी सी कट गया, तो ऊपर में बचा टू जेड डी जेड और नीचे में ए जेड स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी, ये देखिए, और रूट अंडर जेड स्क्वायर मतलब जेड। अब क्या हो गया, ये टू जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन डी जेड डिवाइडेड बाय बच गया ए जेड स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी, तो ए जेड स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी। अब हम लोग नीचे से ए कॉमन ले लेंगे यहां से और यहां से, तो यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां पर जेड स्क्वायर और यहां से कॉमन ले लेंगे तो बी सी माइनस ए डी बाई ए, तो ए कॉमन गया बाहर तो टू बाई ए इंटीग्रेशन डी जेड बाय हो गया जेड स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी बाई ए, और यहां पर टू बाई ए इंटीग्रेशन dz बाय यहां पर जितना भी है उसको रूट दिए, रूट देके उसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका, ये जितना भी है उसको यहां लिखे और उसमें रूट लगा के स्क्वायर कर दिए, कर सकते हैं, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वही चीज रह जाएगा, तो किस फॉर्म में आएगा, इंटीग्रेशन dz बाय z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका तो एक फॉर्मूला होता है कि 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाय, तो इस टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे अगर इस फॉर्म का इंटीग्रेशन रहे तो, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए दूसरा फॉर्म इंटीग्रल का फॉर्म इस टाइप का फॉर्म है, अगर रहे इंटीग्रेशन dx बाय dx प्लस u और रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो इस फॉर्म में रहने से हम लोग क्या करेंगे ना, px प्लस q को हम लोग 1 बाय z करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू x, तो p और x का dx हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस q, q तो 0 इसलिए p dx इज इक्वल टू 1 बाय z का माइनस 1 बाय z स्क्वायर dz, ठीक है। आल्सो as px प्लस q इज इक्वल टू 1 बाय z, ये तो हम लोग मान चुके हैं, यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालना है, px को रखें तो इधर 1 by z था, q उधर चल गया इसलिए 1 by z माइनस q, x को रखें p को उधर भेज देंगे तो p उधर जाएगा तो 1 by q हो जाएगा,
क्योंकि p इधर ऊपर में था तो बटा के नीचे में आ जाएगा, तो 1 बाई पी हो गया पूरा का जो था उसका 1 बाई पी। तो x इक्वल टू 1 बाई पी अंदर में एलसीएम ले लिए तो ये आया, ठीक है। तो ये हो गया x का वैल्यू। अब ये अगर x का वैल्यू हुआ तो देखिए इसको तो 1 बाई z माने हैं, इसको भी z के फॉर्म में लिखना होगा ना, इसीलिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू निकाल रहे हैं। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू क्या होगा, a की जगह a x स्क्वायर, x मतलब ये इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 बाई पी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर होल ये होगी प्लस प्लस बी एक्स मैंने बी इंटू एक्स के जगह जो भी है ये पूरा 1 बाई पी इंटू 1 माइनस यू जेड बाई जेड 1 माइनस ये 1 बाई पी ये पी है ठीक है पी इंटू 1 माइनस यू जेड बाई जेड प्लस सी ठीक है और इसी का हम लोग क्या किए थे यहाँ पर p स्क्वायर है और इसमें भी z का स्क्वायर नीचे होल स्क्वायर है मतलब नीचे भी z का स्क्वायर तो p स्क्वायर z स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लिए तो एलसीएम ले लिए तो ऊपर में क्या a और इसका होल स्क्वायर रहा फिर प्लस इसके साथ ये नीचे में pz है तो pz से इसको डिवाइड करने से pz और तो pz से ऊपर में मल्टीप्लाई होगा इसलिए पी बी जेड पी बी जेड इंटू 1 माइनस क्यू जेड फिर प्लस क्या था सी तो सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब सी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहां ये जो है ना इसको फिर यहां पर हम लोग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको तोड़ दे रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए के जगह ए और a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 1 और माइनस टू ए बी माइनस टू इंटू 1 इंटू क्यू जेड मतलब माइनस टू क्यू जेड प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर ठीक है क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी पी जेड एक बार 1 के साथ तो इसीलिए बी पी जेड माइनस या माइनस है BPZ इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा BPQZ तो माइनस BPQZ प्लस देखिए CP स्क्वायर जेड स्क्वायर CP स्क्वायर जेड स्क्वायर और बट्टा के नीचे में P स्क्वायर जेड स्क्वायर जो था उसी को नीचे इसके बाद क्या किए ना हम ब्रैकेट को ओपन कर दिए ऊपर तो क्या हो गया A मतलब A इंटू 1 A इंटू इतना मतलब 2AQZ a इंटू क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब a क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर प्लस बी पी जेड माइनस माइनस बी पी क्यू जेड प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर और बट्टा के नीचे में पी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे में पी स्क्वायर जेड स्क्वायर जो वही है ऊपर में हम क्या कर रहे हैं कि जहां जहां जेड स्क्वायर वहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर जेड स्क्वायर है ई वाला टर्म में और ई वाला टर्म में जेड स्क्वायर इसीलिए दोनों से जेड स्क्वायर कॉमन जाने से यहां ए क्यू स्क्वायर और यहां सी पी स्क्वायर तो ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर उसके बाद जिसमें जिसमें जेड तो जेड किसमें है इसमें है और इसमें है और इसमें है ठीक है यहां पर थोड़ा सा गलती हुआ है जेड है बी जेड अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या यहां पर बीपी बीपी टू ए क्यू फिर माइनस माइनस पे क्यू और फिर माइनस बीपी क्यू जेड है ना तो वहां से यहां पर थोड़ा ये होगा माइनस बी पी क्यू जेड उसके बाद जिसमें जेड नहीं है तो ए है ए में जेड नहीं है तो इसीलिए फिर भी ही डाल है वो है प्लस ए ठीक है। तो इसके बाद क्या दिया फॉर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल आई इज इक्वल क्या क्या है इंटीग्रेशन आई डीएक्स है तो डीएक्स का यहां से वैल्यू निकालेंगे यहां से डीएक्स क्या है डीएक्स इक्वल टू होगा माइनस वन बाई पी जेड स्क्वायर डी जेड माइनस वन बाई पी जेड स्क्वायर डी जेड डिवाइडेड बाय px प्लस q तो px प्लस q को तो हम लोग 1 बाई जेड माने
इसीलिए इसके जगह 1 बाय डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका वैल्यू कितना निकला, इसका वैल्यू निकला इतना ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना रूट के अंडर में देंगे, क्योंकि रूट अंडर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसीलिए ये जो है इसको रूट के अंदर में जब देंगे तो एक यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो एक यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी पी माइनस टू ए क्यू माइनस बी पी क्यू, बी पी माइनस टू ए क्यू माइनस बी पी क्यू माइनस बी बी पी क्यू जेड फिर प्लस ए, ठीक है, और नीचे में पी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक। तो इसके बाद हाँ तो देखिए इसके बाद क्या है कि यहां पर हम लोग इसके बाद क्या किए वन बाई जेड सॉरी माइनस वन बाई पी जेड स्क्वायर माइनस वन बाई पी जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन बाई जेड, और यहां पर क्या है बट्टा के नीचे से रूट हटा दिए, तो बट्टा के नीचे अगर रूट हटा देंगे तो पी स्क्वायर जेड स्क्वायर था तो पी जेड हो गया और ऊपर में रूट रह गया, तो यहां से यहां तक जितना भी है क्या ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी पी माइनस टू ए क्यू माइनस बी पी क्यू इंटू जेड प्लस ए, वो पूरा पूरी वहां पर लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए पी जेड स्क्वायर था तो नीचे में पी है तो पी पी के साथ कट गया, नीचे जेड और जेड दो टू जेड हो गया तो ऊपर में जेड स्क्वायर के साथ कट गया, ठीक है, तो जो बचा वो माइनस माइनस डीजेड डीजेड डिवाइडेड बाय नीचे में रूट के अंदर में ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी पी माइनस टू ए क्यू माइनस बी पी क्यू जेड प्लस ए, ये ठीक है वही चीज बचा। तो ये जो बचा ये क्वाड्रेटिक इन जेड, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन जेड हुआ इसीलिए अब इस टाइप का इसका तो कुछ कांस्टेंट नहीं है, तो ये मान लीजिए ए है ए जेड स्क्वायर प्लस ये मान लीजिए बी है बी जेड प्लस सी रूट के अंदर में नीचे में रहेगा ऊपर में डीजेड तो डीजेड बाय रूट अंडर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी, इस पर के हमने हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये जो दो फॉर्म हम बताए दोनों फॉर्म का एक एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, पहला पहला फॉर्म का जो बताया इसमें पहला फॉर्म का एग्जाम्पल देखिए इंटीग्रेट डीएक्स बाय टू एक्स सॉरी डीएक्स बाय टू प्लस एक्स इंटू रूट अंडर वन प्लस, तो पहला जो फॉर्म है दो फॉर्म में से जो पहला फॉर्म बताया उसका फॉर्म है ये फॉर्म में है, तो देखिए रूट के अंदर में जो रहता है उसको हम लोग प्रूव करते हैं, पहला फॉर्म को देखिए उसको जेड स्क्वायर प्रूव करते हैं, इसीलिए वन प्लस एक्स को हम लोग जेड स्क्वायर प्रूव करते हैं, सो दैट यहां से एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा एक्स का वैल्यू निकलेगा जेड स्क्वायर माइनस वन, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वन का जीरो डीएक्स एक्स का डीएक्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का टू जेड डीजेड, ठीक है। नाउ अभी टू प्लस एक्स का भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो टू प्लस एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एक्स के जगह क्या देखिए एक्स के जगह जेड स्क्वायर माइनस वन उस जेड स्क्वायर माइनस वन को एक्स के जगह हम लोग रखते हैं, अब क्या जेड स्क्वायर को यहाँ रखें टू माइनस वन मतलब वन प्लस वन, अब इंटीग्रेशन आई इंटीग्रेशन जो हम लोग इसको माने हैं इसका आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू डी एक्स डी एक्स मतलब है टू जेड डीजेड तो डी एक्स की जगह टू जेड डीजेड डिवाइडेड बाय क्या टू प्लस एक्स तो टू प्लस एक्स का वैल्यू कितना निकला जेड स्क्वायर प्लस वन, इसीलिए इस टू प्लस एक्स की जगह जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू क्या है रूट अंडर वन प्लस एक्स तो रूट अंडर वन प्लस एक्स तो जेड स्क्वायर इसीलिए रूट अंडर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर टू जेड डीजेड इंटीग्रेशन टू जेड डीजेड फिर जेड स्क्वायर प्लस वन जेड स्क्वायर प्लस वन रूट अंडर जेड स्क्वायर के मतलब जेड, अब ये देखिए जेड जेड कट गया तो क्या बचा टू जेड टू डीजेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन टू डीजेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन, अब ये जो टू है टू कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर देंगे उसको बाहर कर दिए बाकी जो बचा क्या डीजेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन तो डीजेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस जेड स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स जेड इंटीग्रेशन डीजेड बाय वन प्लस जेड स्क्वायर का टेन इनवर्स जेड होगा तो
टू और इसका टेन इनवर्स जेड, तो टू टेन इनवर्स जेड 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 स्क्वायर, इसको अगर माने तो जेड बराबर क्या होगा, रूट टू इधर स्क्वायर टू इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, माने जेड इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस एक्स, तो इसीलिए इस जेड की जगह रूट अंडर वन प्लस एक्स और प्लस सी, यही हो गया आंसर। ठीक है, देखिए दूसरा फॉर्म जो हम करा है इंटीग्रेशन का आज इस वीडियो का, दूसरा फॉर्म दो फॉर्म कराए शुरू, तो दूसरा फॉर्म का एक एग्जांपल, अंदर में रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक कर्व एक्सप्रेशन और बाहर में मैंने px प्लस q के फॉर्म में, रखने से हम लोग क्या कर रहे थे, दूसरा फॉर्म में हम लोग कर रहे थे कि px प्लस q को 1 बाय z पुट कर रहे थे, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन i इक्वल टू इसको मानने के बाद पुटिंग करेंगे कि 1 प्लस x इक्वल टू 1 बाय z, सो दैट यहां से x का वैल्यू निकालने से, यहां से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय z माइनस, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करने से x का dx और 1 बाय z का माइनस 1 बाय z स्क्वायर dz, ठीक है, तो ये dx का वैल्यू इतना होगा। अब हम लोग को इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा 1 प्लस x स्क्वायर का, इसीलिए 1 प्लस x स्क्वायर माने 1 प्लस x स्क्वायर को z के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस x सॉरी 1 प्लस नहीं है 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x, x के जगह क्या, x के जगह ये 1 बाय z माइनस 1, इसीलिए x के जगह 1 बाय z माइनस 1 और स्क्वायर से ये स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग क्या किए ना, एलसीएम ले लिए z, तो z जब एलसीएम ले लिए तो यहां 1 माइनस z और नीचे में z और स्क्वायर, इसीलिए 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए क्या नीचे में z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर हम लोग एलसीएम के लिए z स्क्वायर इंटू 1 z स्क्वायर माइनस यहां पर हो गया 1 माइनस z का होल स्क्वायर ऊपर, तो 1 माइनस z का होल स्क्वायर को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो 1 माइनस 2ab a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू z मतलब 2z प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस z स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो z स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर में माइनस, इसलिए इधर सब साइन प्लस 1 था तो माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस टू जेड माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट गया। अब ऊपर में क्या बचा, टू जेड माइनस वन और नीचे में जेड स्क्वायर, तो देखिए टू जेड माइनस वन नीचे में जेड स्क्वायर, इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन आई इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, डीएक्स डीएक्स है तो डीएक्स इक्वल टू इतना, तो इस डीएक्स के जगह ये देखिए माइनस वन बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, तो 1 प्लस x को हम लोग मान चुके हैं 1 बाई z, इसीलिए 1 प्लस x की जगह 1 बाई z, फिर रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला है, इतना निकला, इसीलिए रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर की जगह इतना हो गया क्या, z माइनस z बाई z स्क्वायर। अब ऊपर में जो था उसी गोली में नीचे में क्या किया कि नीचे का जो है ना ये जो इसका होल रूट था 2z माइनस 1 बाई z स्क्वायर का, तो 2z माइनस 1 का रूट को रख दिया और नीचे का जेड स्क्वायर का जो रूट है उसको हटा देने से जेड हो गया, तो जेड जेड नीचे में जेड स्क्वायर हो गया, इसलिए जेड स्क्वायर सब कट गया, तो बचा क्या माइनस, तो माइनस को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड यहां क्या बचा रूट अंडर टू जेड माइनस वन, तो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन रूट अंडर टू जेड माइनस वन मतलब टू जेड माइनस वन का पावर वन बाई टू, तो 2z माइनस 1 का पावर 1 बाई 2 को हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर 2 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। अब x का पावर n का जो dx मतलब उस फॉर्म में है, उस फॉर्म में जब इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है, x का पावर इंटीग्रेशन n प्लस 1 सॉरी x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1, इसीलिए x का पावर कितना प्लस 1 मतलब माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, और माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 करने से 1 बाई 2, और नीचे में भी होगा पट्टा के नीचे में भी माइनस वन बाई टू प्लस वन मतलब वन बाई टू, और जेड का जो कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जेड का कोफिशिएंट हो पट्टा के नीचे में, तो इसीलिए ये टू को दे दिए जेड का कोफिशिएंट। अब देखिए कि ये टू और ये टू कट गया तो बचा गया माइनस रूट अंडर टू जेड माइनस वन का पावर वन बाई टू मतलब रूट अंडर टू जेड माइनस वन। अब जेड का वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो z क्या है यहां आइए, यहां 1 प्लस x इक्वल टू अगर 1 बाय z
जेड इक्वल टू क्या होगा यहां पर 1 बाई 1 प्लस एक्स होगा, इसीलिए इस जेड की जगह 1 बाई 1 प्लस एक्स, लेकिन ऊपर में 2 था इसलिए 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब 1 प्लस एक्स एलसीएम ले लिए तो ये 2 और माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा से माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया 2 माइनस 1 रूट के अंदर में 2 माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स और नीचे में 1 प्लस एक्स और माइनस प्लस एक कॉन्स्टेंट हो गया। तो ये था दूसरा फॉर्म, ठीक है। देखिए अभी हम लोग दो और जानेंगे, इससे पहले हम दो फॉर्म जाने हैं, उसमें क्या था, एक में था मैंने इधर भी px प्लस q के फॉर्म में मैंने लिनियर फॉर्म में, अंदर में भी मैंने px प्लस q के फॉर्म में, ये एक फॉर्म पढ़े इससे पहले, और एक फॉर्म पढ़े कि बाहर में px प्लस q और रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अभी हम लोग ये फॉर्म जो है इस फॉर्म में है कि बाहर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अंदर में px प्लस q रूट के अंदर में, ठीक है। और वैसा अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो ex प्लस g रूट के अंदर में जो है उसको हम लोग z स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि बाहर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और रूट के अंदर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, बाहर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूट के अंदर में अल्फा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर रहे तो हम लोग अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग जेड स्क्वायर रूट करेंगे। ये हुआ दूसरा फॉर्म, ठीक है। तो इससे पहले दो फॉर्म हम लोग जाने हैं, अभी ये हम लोग और दो फॉर्म हम लोग अभी देख रहे हैं। अब ये दोनों फॉर्म का हम लोग सवाल बनाते हैं। हाँ, तो ये जो दो फॉर्म हम बताए ये दोनों फॉर्म का मतलब एक एक सवाल हम लोग करते हैं। ये सवाल है देखिए, बाहर में भी क्वाड्रेटिक रूट के अंदर में भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, तो हम लोग मैंने रूट के बाहर में क्वाड्रेटिक बट्टा के नीचे का और बट्टा के नीचे का रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक रहने से हम लोग जो पुटिंग करते थे क्या अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, ठीक है, बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर रूट कर रहे थे, ठीक। तो इसीलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ले ली लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू लॉग जेड स्क्वायर, तो लॉग एम बाई एम मतलब log m माइनस log m इज इक्वल टू log z स्क्वायर मतलब 2 log z, ठीक है, क्योंकि log m का पावर m में से m log m। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log x का 1 बाई x, फिर x के जगह x स्क्वायर प्लस 9 है तो उसका हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और 9 का 0 बटा 2x प्लस 0 तो 2x, फिर माइनस log इतना का डिफरेंशिएट 1 बाई log x square plus 4 का 1 by x square plus 4 into x square plus 4 का chain rule में x square का 2x और 4 का 0 मतलब 2x is equal to 2 log z मतलब 2 into log z का 1 by z और dz by dx, ठीक है। तो दोनों जगह से हम 2x common ले लिए, 2x common ले लिए तो यहाँ बचा 1 by x square plus 9 minus 1 by x square plus 4 is equal to 1 by z dz by dx, और क्या कर रहे हैं ये देखिए 2 कट गया तो क्या x बचा, x बचा और ये एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ ना कि x स्क्वायर प्लस 4 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस 4, फिर x स्क्वायर प्लस 9 जो है माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और 9 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहां एक्स और फोर माइनस नाइन मतलब माइनस फाइव, और इधर का जो डीएक्स था उस डीएक्स को इधर ले आए, ठीक है ना, इधर ले आए, और इधर जो था ना देखिए यहां से जो यहां आया वो क्या वन बाई जेड डीजेड बाई डीएक्स, वन बाई जेड डीजेड बाई डीएक्स। अब यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, फोर माइनस नाइन माइनस फाइव, और ये एक्स, और इधर का डीएक्स को इधर ले आया, डीएक्स इधर इंक्लूड हो गया, और बट्टा के नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तब उधर बस किया क्या वन बाई जेड और डी जेड, क्योंकि डीएक्स को इधर आ गया। अब यहां माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव एक्स, और डीएक्स बट्टा के नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन और एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू यहां जेड। देखिए इसको हम लोग जेड स्क्वायर माने, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो जेड क्या होगा, जेड होगा इसका होल रूट, तो जेड अगर होगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल रूट, तो वन बाई जेड क्या होगा, उसका उल्टा होगा, इसीलिए होल रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस नाइन और इंटू डी जेड, तो वन बाई जेड की जगह ये होगा। अब देखिए माइनस बाई जेड डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को हम लोग ऐसा लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर, मैंने रूट भी दे दिए स्क्वायर दे दिए, तो रूट स्क्वायर बन जाने से ही रहेगा, इसको ऐसा लिखा और एक्स स्क्वायर प्लस फोर को ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर को यहां पर लिख दिए माइनस फाइव एक्स डी एक्स डी एक्स बटा के बराबर के उधर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डीजे। अब यहां पर माइनस फाइव एक्स डी एक्स बट्टा के नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का रूट का होल स्क्वायर है, और यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का रूट है, तो एक तो उसके साथ कट जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर है और उधर स्क्वायर नहीं है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन और यह रूट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर, तो एक तो कट जाएगा, इधर एक तो बचेगा और उधर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन खत्म हो गया, पहले रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर रहा और डी जेड, ठीक है। इसके बाद तो इसके बाद डीएक्स को यहां रखें और माइनस फाइव एक्स जो डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई था, तो माइनस फाइव एक्स को उधर ले जाने से माइनस बट्टा के नीचे में फाइव एक्स आया, और नीचे में जो था एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को लिखे, और इधर जो ऊपर के रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी है, ठीक है। इसके बाद देखिए नाउ एस जैसे हम लोग पुटिंग किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर को जेड स्क्वायर करते हैं, तो हम लोग क्या किए हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, ठीक है, और जेड स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब क्या इधर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर दोनों के साथ मतलब जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन जो इधर था हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स वाला टर्म को इधर रख रहे हैं बिना एक्स वाला को, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको इधर लाते हैं तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और इक्वल के उधर ले जाएंगे बाकी सबको तो फोर जेड स्क्वायर और प्लस नाइन को उधर गया तो माइनस नाइन, ठीक है, तो इधर क्या किया ना एक्स स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन, तो एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर को हम लोग रखते हैं एक्स स्क्वायर को रखते हैं बाकी सब एक्स स्क्वायर रखते हैं जो वन माइनस जेड स्क्वायर उधर जाने से इतना बटा वन माइनस जेड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन बाई वन माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला। अब फ्रॉम इक्वेशन वन इसको हम लोग इक्वेशन वन मानते हैं, ठीक है, इसको अगर इक्वेशन वन मानते हैं इक्वेशन वन क्या था ना डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय फाइव एक्स डी जेड, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसी को लिख दे रहे हैं और राइट हैंड साइड में माइनस वन बाई फाइव को बाहर रख रहे हैं, और ये जो नीचे एक्स है एक्स में रूट नहीं है तो x का स्क्वायर दे रहे हैं और रूट के अंदर में इसको घुसा रहे हैं ये होल रूट के अंदर, तो माइनस वन बाई फाइव को बाहर रखे और ये जो रूट था इसको नीचे तरफ खींच दिया मैंने x का भी कर दिया,
एक्स का रूट करने से एक्स स्क्वायर करना होगा, इसीलिए माइनस वन बाई फाइव रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फोर जो ऊपर में था और नीचे में एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का रूट करने से एक्स आ जाएगा तो बटा के नीचे में एक्स रहेगा, माइनस वन बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव है, ठीक है। तो यहां पर देखिए माइनस वन बाई फाइव हम लोग एक्स स्क्वायर को इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ एक बार डिवाइड करके फोर के साथ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन प्लस फोर बाई एक्स स्क्वायर फोर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव रूट अंडर वन की जगह वन प्लस फोर फोर की जगह फोर उसके बाद है वन बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर निकला है इतना, तो वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका उल्टा होगा, मतलब वन माइनस जेड स्क्वायर ऊपर और फोर माइनस जेड स्क्वायर नीचे, तो वही हुआ वन माइनस जेड स्क्वायर ऊपर और फोर माइनस जेड स्क्वायर नीचे हो गया, ठीक है ना। तो और फोर पहले से था इसमें फोर, तो माइनस वन बाई फाइव रूट अंडर फोर जेड स्क्वायर एच नहीं यहां पर ना एलसीएम ले लिया फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन को एलसीएम ले लिया, तो फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन एलसीएम लेने से फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए यहां फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन प्लस फोर के साथ ये मल्टीप्लाई फोर इंटू वन फोर और फोर इंटू माइनस जेड स्क्वायर इसीलिए माइनस फोर जेड स्क्वायर, तो माइनस फोर जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर कट गया। तो यहां पर क्या हुआ कि माइनस वन बाई फाइव और यहां पर माइनस फाइव और फोर प्लस क्या हो जाएगा माइनस फाइव होगा, रूट के अंदर में माइनस फाइव और बट्टा के नीचे में फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन। अब यहां पर माइनस वन बट्टा फाइव था तो फाइव को हम लोग रूट फाइव का होल स्क्वायर कर दिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, और इधर जो है ना ये माइनस टू को नीचे में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये माइनस टू को नीचे मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा नाइन के आगे प्लस हो जाएगा इसके आगे माइनस हो जाएगा, मतलब नाइन माइनस फोर जेड स्क्वायर नाइन माइनस फोर जेड स्क्वायर और ऊपर में फाइव, ठीक है। तो रूट फाइव यहां पर एक तो रूट फाइव एक तो कट जाएगा तो क्या होगा, ठीक है सब देखिए। अच्छा इधर था इधर ये डीजेड छूट गया था, ठीक है, इसलिए हर जगह पर ये डीजेड डीजेड दे दिए, तो इसका वैल्यू जो आया माइनस वन बाई रूट फाइव का स्क्वायर था और ये रूट फाइव था, तो रूट फाइव एक तो रूट फाइव कट जाएगा तो माइनस वन बाई एक रूट फाइव बचेगा और वन बाई तब वहां क्या रूट फाइव कट गया इसके तो इधर वन वन बाई नीचे का रूट वन बाई रूट अंडर नाइन माइनस फोर जेड स्क्वायर डीजेड, ठीक है। इसके बाद देखिए ये किसका वैल्यू है, ये एक्चुअली तो इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू है क्योंकि इसी को लेकर हम लोग करते करते यहां तक पहुंचे, तो इसीलिए ये डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव वन बाय रूट अंडर नाइन माइनस फोर जेड स्क्वायर डीजेड। इसको हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करते हैं इंटीग्रेटिंग बॉक्स साइड, तो इधर भी इंटीग्रेशन उधर भी इंटीग्रेशन, तो माइनस वन बाई फाइव जो की बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है इसीलिए इंटीग्रेशन डीजेड बाय रूट अंडर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इधर तो इंटीग्रेशन डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन हुआ, इधर माइनस वन बाय रूट अंडर फाइव इंटीग्रेशन डीजेड बाय रूट अंडर वन माइनस फोर जेड स्क्वायर। तो हम लोग यहां से फोर कॉमन ले लें फोर, तो फोर कॉमन लेने से रूट के बाहर आ जाने से टू हो जाएगा इसलिए इधर रूट फाइव के साथ हम लोग टू देंगे, तो माइनस माइनस वन बाई टू रूट फाइव और इंटीग्रेशन डीजेड वाई फोर चूंकि कॉमन गया है यहां तो फोर था नहीं इसलिए इसको नाइन बाई टू और ये फोर जेड स्क्वायर से फोर कॉमन गया तो जेड स्क्वायर। अब ये माइनस वन बाई टू रूट फाइव इंटीग्रेशन डीजेड वाई नाइन बाई फोर को थ्री बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर। अब ये फोर फॉर्म में आ गया माइनस वन बाई टू रूट फाइव और ये आ गया इंटीग्रेशन डीजेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उस फॉर्म में डीएक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स मतलब जेड बाई ए मतलब थ्री बाई टू तो जेड बाई थ्री बाई टू, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो गया माइनस वन बाय टू रूट फाइव और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा जेड बाई थ्री बाई टू है तो टू बाई थ्री जेड, ये हो गया टू बाई थ्री जेड मतलब माइनस वन बाय टू रूट फाइव साइन इनवर्स टू बाई थ्री जेड। जेड किसको मानते हैं हम लोग जेड
किसको माने थे? जेड हम लोग माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का रूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जेड स्क्वायर हम लोग माने थे। तो यहां पर क्या होगा? z के जगह पर हो जाएगा रूट अंडर इतना। समझ में आया? ठीक है, तो प्लस c यही हो गया इसका आंसर। ठीक है।